सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल, अपर लोक अभियोजक डॉक्टर करणीदान चरण ने निरीक्षण कर पार्क में पौधारोपण किया। श्रीराम सेवा संस्थान द्वारा सुभाष पार्क में साफ सफाई व पार्क को फिर से आबाद करने के लिए कुछ दिन पहले ही कार्य शुरू किया गया था। श्रीराम सेवा संस्थान के संयोजक गिरधारी लाल प्रजापत ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सुभाष पार्क की चार दीवारी की मरम्मत व रंग रोशन करने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का कार्य करने, पार्क के बीच में स्थित फव्वारे को सही करवाने, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था करवाने, भामाशाह की प्रतिमा को भी सुसज्जित करवाने, वॉकिंग ट्रैक सहित अनेक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल ने निरीक्षण के बाद कहा कि पार्क के विकास में नगर परिषद प्रशासन समुचित सहयोग करेगा। इस अवसर पर श्रीराम सेवा संस्थान के गिरधारी प्रजापत, भरत प्रजापत, संदीप प्रजापत, कमल पागड़ी, हीरालाल बुगालिया, श्याम लक्ष्मणदान कवैया, मदन बटेसर मांडेता, पर्यावरण संरक्षण समिति के पिताराम जैनी, राजकुमार गोदरा, मदन सिंह, राजकुमार इंदौरिया, मोहनलाल मंडा, कन्हैयालाल तंवर, जयन विक्रम जोरवाल, सफाई निरीक्षक मुनाल मीणा आदि लोग मौजूद रहे। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। सुजानगढ़ में रेलवे स्टेशन सामने एक पार्क है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। इसमें एक महीने पहले कमल जी बागड़ी, संदीप जी और हमने मिलकर इसका साफ सफाई का कार्य शुरू किया था। तो उसके बाद में हमने उन्होंने विचार किया कि ये शानदार पार्क है, इसको पूरा अच्छी तरीके से सजा जाए। फिर हमने पिछले एक महीने से कंटिन्यू हम मेहनत कर रहे हैं और कल हमने निर्णय किया कि आयुक्त महोदय को इससे अवगत कराते हैं। तो कल हम आयुक्त महोदय के पास जाकर आए थे तो आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि कल सुबह मैं 9-10 बजे वहीं मौके पर आकर देखूंगा, फिर आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आज आयुक्त महोदय आए, करणीदान जी भी आए। तो आयुक्त महोदय के सामने हमने कुछ ये 6-7 मांगे रखी, इस पार्क में हमें आपका सहयोग चाहिए, ये हमने उनसे कहा। तो हमें क्या है, एक तो शौचालय वहाँ पे निर्माण करना करने का उनको कहा और एक बगीचे की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग है चार दीवारी की वो करने कहा, एक उस पर रेलिंग है उसमें कलर करने कहा और पेड़ पौधों को जो पानी देने के लिए स्टोरेज की समस्या आ रही है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए भी आयुक्त महोदय को अवगत कराया इस समस्या भी। और एक फुव्वारा है वो बंद पड़ा है, एक पानी की मोटर की भी व्यवस्था चाहिए उसमें और बिजली के पोल की भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए ताकि उसमें रोशनी का प्रबंध उचित तरीके से हो सके। और एक इसमें क्या है, कई बार जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से यात्री आते हैं सालासर के लिए तो उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी हमने आयुक्त महोदय को कहा और उन्होंने इस कार्य में बहुत ही रुचि दिखाई और उन्होंने तुरंत ही हमें आश्वासन दिया कि इसमें जो भी हमारी नगर परिषद से सहायता हो सकेगी आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। मैं क्या है कि यहाँ के काफ़ी ऊर्जावान युवा साथी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि सर आप हम लोग इस प्रकार का काम करें, घास वगैरह लगा रहे हैं, इसमें क्या सौंदर्यकरण कर रहे हैं। और हमारा भी विजिट करने का उद्देश्य ये है कि देखो, एक तो सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने की लोकेशन है और इस शहर के सौंदर्यकरण के लिए या पार्क को विकसित या इसका जीर्णोद्धार करना ज़रूरी है क्योंकि ये शहर के हट के बीच में आ रहा है। हर कोई जब कोई स्टेशन से उतरता है या ये सालासर रोड की और जब यात्री जाते हैं तो हमारे शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। इसलिए क्या है कि आज मैंने विजिट किया, इसके जो भी मरम्मत कार्य या झीलों के कलर कराना है या ये पीछे मेरे जो फाउंड लगा है इसको तैयार करवाना, इस प्रकार की मैंने जीवन साहब से अभी इसका अवलोकन किया है और शीघ्र ही हम इसका कार्य करके उसको जनता को समर्पित करेंगे। कस्बा सुजानगढ़ की एक सामाजिक संस्था ने आज मुझे टेलीफोन करके बुलाया कि रेलवे स्टेशन के सामने सुभाष चंद्र पार्क जो कि सुजानगढ़ की आन बान शान है और वो काफ़ी समय से उसके अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घास उग गया था और इसमें इसको मतलब इसको सही ढंग से करके वहाँ से घास को उखाड़ करके नए पेड़ पौधे लगाएं और इसका जीर्णोद्धार के लिए नगर परिषद के आयुक्त महोदय को बुलाने के लिए मुझे कहा और सामाजिक संगठन ने कहा। तो नगर परिषद के आयुक्त महोदय ने जैसे ही मैंने टेलीफोन किया उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कहा कि ये पार्क नाम ज़रूर मैंने सुना है, अभी मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ गए। मैं पहले धन्यवाद देता हूँ आयुक्त महोदय का और मीणा जी का और जयन साहब का
जो तुरंत इस जनता की आवाज़ को सुना और आए। आयुक्त महोदय ने पूरा अवलोकन किया, आयुक्त महोदय ने सारी चीज़ें देखी, उन्होंने इस जो पार्क है उसकी जो आधारभूत जो शिला है, जो सेठ जी की मूर्ति है, प्लस जो ये फवारा है, इसको यथावत रखते हुए इसका जीर्णोद्वार कराने के लिए, इसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए, नए पेड़ पौधे, धूप घास लगाने के लिए, इस गार्डन को इतना मतलब अच्छा जो जयपुर में जैसे JDA डेवलप करता है उसी हिसाब से करने के लिए आयुक्त महोदय ने हाँ भरी है। प्लस ये जो सामाजिक जो संगठन है वो बिना किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए करने के लिए उन्होंने भी हामी भरी है। मैं पहले ही सामाजिक जो संगठन है उसको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा आपने बीड़ा उठाया और जो की पुष्पा सुजानगढ़ का आन बान स्थान ये पार्क, और पुनः अपने लिए ये अच्छी बात है कि सुभाष चंद्र पार्क जनता के बीच में खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। आयुक्त महोदय और सामाजिक संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।